Hello guys, I am Balram Yadav and welcome again to my YouTube channel Concept of Mathematics. Students, आज हम पढ़ेंगे Introduction to Set Theory. In last video, हमने इसका कुछ part cover किया था और आज हम आगे start करेंगे. तो in our previous video, हमने कुछ last में 3 results देखे थे जिनके मैंने बोला था next video में I will prove it. So, today I will prove them. तो फर्स्ट रिजल्ट क्या था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ. तो हमें प्रूव करना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ. तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी कोई भी एक सेट है, देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ए इज क्लियरली इन ए इट्सेल्फ. ये क्या बोलना चाह रहा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का कोई भी एलिमेंट है वो ऑब्वियसली बात है ए के अंदर तो हो गया होगा. और सबसेट की यही डेफिनेशन है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए. और नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. हमें प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है. तो लेट ए बी एनी सेट एंड फाई बी ए एम्प्टी सेट. इन ऑर्डर टू शो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, वी मस्ट शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए आल्सो. तो ये क्या है, सबसेट की डेफिनेशन है कि कोई किसी भी सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करते हैं तो पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट हम दूसरे सेट में दिखा देते हैं कि वो दूसरे सेट में सारे एलिमेंट उसके बिलोंग करते हैं. बट तो यहाँ पे देखिए, वी मस्ट शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए आल्सो, बट एज वी नो फाई डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट. फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम उसे एम्प्टी और वॉइड सेट बोलते हैं. सो द स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट कौन सी देखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए, कि फाई का जो भी एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा, कांट बी फॉल्स. ये कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि फाई डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. दिस इम्प्लाइज फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यही तो सबसेट की डेफिनेशन है कि किसी भी सेट का सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर जाए तो वो सेट का सबसेट हो जाता है. एंड हियर ए इज एनी आर्बिट्रेरी सेट, ये हमने आर्बिट्रेरी सेट लिया था. दिस इम्प्लाइज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n. तो इसको प्रूव करते हैं. लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट, ए मान लिया हमने कोई भी फाइनाइट सेट है कंटेनिंग n एलिमेंट्स. नाउ हम r एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, r कोई भी एक पॉजिटिव नंबर चूज करना है हमें, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव नंबर चूज करना है जो जीरो या जीरो के जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल भी हो सकता है, एंड लेस देन n एंड इक्वल्स टू n कैन बी आल्सो. नाउ कंसिडर दो सबसेट ऑफ ए, हमने ए के वो सबसेट कंसिडर करने हैं दैट हैव आर एलिमेंट्स इच, जिनके पास आर एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली आर एलिमेंट हो, वो सारे सबसेट हमें कंसिडर करने हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी ये एक सबसेट है, कोई भी एक सबसेट है ए का जिसके पास आर एलिमेंट हैं, और ये आर एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं. ए हमारा जो सेट था वहाँ से ये आर एलिमेंट्स आएंगे और ए के पास कितने हैं, एन एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे जो ये आर एलिमेंट्स थे ये हमें एन एलिमेंट्स से चूज करने हैं. एलिमेंट्स कौन से, ए के एन एलिमेंट्स से हमें आर एलिमेंट्स चूज करने हैं. तो हियर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ हैविंग आर एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज आर एलिमेंट्स आउट ऑफ एन. तो हमने जैसा कि हम बताया ये आर एलिमेंट हमने कहाँ से चूज करने हैं, ए के एन एलिमेंट्स से. तो हम जितनी डिफरेंट टाइप से ये एलिमेंट्स चूज कर पाएंगे उतने डिफरेंट सबसेट बन जाएंगे जिनके पास आर एलिमेंट्स होंगे. जैसे कि ए के पास एन एलिमेंट है तो हमने स्टार्टिंग वाले आर एलिमेंट्स चूज कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम हमने लास्ट वाले आर एलिमेंट्स चूज कर लिए, उससे नेक्स्ट टाइम हमने मिडल वाले आर एलिमेंट्स, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते जाएंगे तो हमें एक नया सबसेट मिलता जाएगा. तो हम इनको कितनी तरीके से चूज कर सकते हैं, ये हमें पता है, हम इनको एन सी आर तरीके से चूज कर सकते हैं. ये होता है एन सी आर, हम इसे बोलते हैं ये होता है कम्बिनेशन. ये किसी भी एक गिवन कलेक्शन में से हमें एक
पर्टिकुलर नंबर को कितने टाइप से चूज कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है. तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हैविंग आर एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू एन सी आर. ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि आर एलिमेंट्स के सबसेट इतने होंगे. और हेयर हमने ऊपर ही लिखा था कि आर क्या है, जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा है, एन के इक्वल या एन से छोटा है. देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग दो सबसेट हैविंग जीरो एलिमेंट्स. तो ए के पास कौन कौन से सबसेट होंगे, ऐसे सबसेट भी होंगे दोज कंटेन ओनली जीरो एलिमेंट्स, एंड ऐसा भी सबसेट होगा जो एम्प्टी होगा, और ऐसे भी सबसेट होंगे जिनके पास दो टू एलिमेंट्स होंगे, एंड आल्सो सच टाइप ऑफ सबसेट विच हैव एन एलिमेंट्स और एन माइनस वन एलिमेंट्स. तो देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, तो ये किन का सम होगा, उन सबसेट का जिनके पास जीरो एलिमेंट है, उन सबसेट का जिनके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, और साथ में वो सबसेट जिनके पास टू एलिमेंट है. ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, इन सभी सबसेट का हम सम कर देंगे, नंबर ऑफ सबसेट का हम सम कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू की पावर एन बाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हमें ये वाली टर्म किसके इक्वल आती है, टू की पावर एन. तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि कोई भी फाइनाइट सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टू की पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन दैट सेट. अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल है, टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट्स. दो फाइनाइट सेट हैं, एक के पास एम एलिमेंट है, एक के पास एन एलिमेंट्स है. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो पहला सेट है हमारे पास जिसके पास m एलिमेंट है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो इज़ 56 मोर देन. यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेट है उसके जो सबसेट हैं वो 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट है. तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. यहाँ पे हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए, हम कंसिडर करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स. ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनके पास एम और एन एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली. देन दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू की पावर एम. ये हमने अभी पीछे प्रूव किया है जस्ट अभी. एंड सिमिलरली द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी इक्वल्स टू टू की पावर एन, क्योंकि ए के पास एम एलिमेंट है और बी के पास एन एलिमेंट्स है. एंड गिवन दैट 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56. गाइज, ये कहाँ से आया कि हमें गिवन है कि फर्स्ट जो सेट है उसके पास सेकंड सेट से 56 सबसेट्स ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे 2 की पावर n क्या है, ये फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं, ये सेकंड सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं, और इनका डिफरेंस हमें 56 गिवन है. तो हम देखें यहाँ पे 56 को किस तरह फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 क्या होता है, 56. और यहाँ पे हमने 8 को अगेन फिर से दूसरी फॉर्म में लिखा है 2 की पावर 3, एंड 7 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 माइनस 1. और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की पावर n को कॉमन निकाला, बाहर निकाला 2 की पावर n को फैक्टर को, तो अंदर यहाँ से 2 की पावर n निकल गया. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर m डिवाइड बाई 2 की पावर n, और बेस सेम है तो पावर डिवाइड और डिवाइड में हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. और यहाँ की 2 की पावर n कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया. और इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, n इक्वल्स टू 3 एंड m माइनस n इक्वल्स टू 3. हमने इसको कंपेयर कर दिया पावर को, और दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 6. नेक्स्ट पे आते हैं, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर. हमें यहाँ पे रियल नंबर के सेट के सबसेट्स देखेंगे. तो रियल नंबर के सेट को हम किस से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं. तो इसका ये यहाँ पे n है नेचुरल नंबर का सेट, z इंटीजर का सेट, और q रैशनल नंबर का, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे q को, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं q को, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू m बाई n, वेयर m n बिलोंग्स टू z, m n यहाँ पे इंटीजर होते हैं, और n नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि n को नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हम 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएंगी अगर n 0 हो गया. तो हमें ऐसी कंडीशन नहीं लेके आनी, नॉट डिफाइन वाली मतलब इनफाइनाइट वाली कंडीशन नहीं लेके आनी. तो क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, और रियल में नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो
इसमें भी Q में भी रैशनल नंबर के सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा, और इसीलिए और सिमिलरली हम किसको इरेशनल नंबर के सेट को डिनोट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए और उसके साथ साथ एक्स नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं. नाउ वी कैन सी एन इज ए सबसेट ऑफ जेड. यहाँ पे एन क्या है, जेड का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगाया क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है. नेक्स्ट जेड इज मतलब इंटीजर का सेट किसका सबसेट होता है, प्रॉपर रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर का सेट प्रॉपर सबसेट होता है आर का, एंड इरेशनल नंबर का सेट भी रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है, एंड नेचुरल नंबर का सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर के सेट का नेचुरल नंबर का सेट सबसेट नहीं होता. तो आगे देखते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर. हम यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर्स के इंटरवल्स की. तो ये तीन टाइप के इंटरवल होते हैं, फर्स्ट होता है क्लोज्ड इंटरवल, सेकंड ओपन इंटरवल, एंड थर्ड वन सेमी ओपन, या हम इसको सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं. तो हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल क्या होते हैं. लेट ए बी ए एंड बी आर टू रियल नंबर, यहाँ पर सिर्फ बी आएगा, बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी. हमने यहाँ पे दो रियल नंबर कंसिडर किए, सच दैट फर्स्ट वन इज लेस देन सेकेंड नंबर बी. देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हमने कौन सा सेट लेना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के भी इक्वल हो सकता है, और ए से ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन बी से लेस देन होगा. ऐसे एक्स लेने हैं जो greater than equals to a and less than equals to b होंगे, is called a close interval and denoted, ऐसे denote करते हैं हम close interval को दोनों side से close bracket, और इसको ऐसे define करते हैं close interval a to b क्या होता है, set of all x such that x is equals to and greater than a or less than equals to b. यहाँ पर जो हमें interval define होता है उसके end point इस set में include होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रियल नंबर की लाइन पे. ये रियल नंबर की लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस पर डिनोट करेंगे हम एंड पॉइंट को एक सर्कल से डिनोट करेंगे, मतलब फुल सर्कल होगा डॉट टाइप से, इसके बीच में कोई एम्प्टी प्लेस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है इंक्लूड है इस सेट में. एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्लोज इंटरवल डिफाइन है माइनस वन टू टू, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स belongs to R such that x is greater than equal to minus 1 and less than equals to 2. और इसको real number पे की line पे ऐसे represent करेंगे, ये हमने real number की line draw की, वहाँ पे 0 draw किया, फिर इधर minus 1 और इधर 1 और 2, और यहाँ पे end point जो 2 है और इधर minus 1 है, इन दोनों को dot से include कर लिया हमने हमारे इस close interval में. Next है open interval. ओपन इंटरवल को हम इस तरह के टाइप के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. ये ओपन इंटरवल है ए टू बी, और इसमें ये किसका सेट होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी. यहाँ पे जो भी एक्स हैं जो इस सेट में आएंगे वो एग्जैक्टली ग्रेटर देन ए होंगे और एग्जैक्टली लेस देन बी होंगे, वो एंड पॉइंट के इक्वल नहीं हो सकते, मतलब हम इस सेट में एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये रियल नंबर की लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ पे ए टू बी ये ओपन इंटरवल होगा, और एंड पॉइंट को हमने यहाँ पे एक सर्कल से डिनोट किया है जिसके अंदर का प्लेस बिल्कुल खाली, इसको क्या बोलते हैं हम इन सर्कल है ये. तो इसको ओपन इंटरवल को डिनोट करने का ये तरीका होता है कि एंड पॉइंट पर हमने ओपन सर्कल रखना है. Here encircling A and B means that end point A and B are not included in this set. यही अभी बताया मैंने. Next है semi open और semi close. तो ये हो गया हमारे पास semi open. Starting में अगर open interval का sign है तो हम उसको बोल देंगे semi open. अगर starting में close interval का sign है तो हम उसको बोल देंगे semi close
इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसको सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, सेमी ओपन, लेकिन मोस्टली जो स्टार्टिंग में जो इंटरवल का साइन होता है उसको हम वही बोलते हैं, सेमी ओपन हो गया जैसे ये सेमी क्लोज हो गया। तो इसमें क्या होता है, जिधर ओपन इंटरवल का साइन है वहाँ वो एंड पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे सेट में, जिधर क्लोज इंटरवल का साइन है वो एंड पॉइंट सेट में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, क्लोज इंटरवल का साइन है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड हो गया। इधर एंड पॉइंट क्या है, ओपन है, तो एंड पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रियल नंबर की लाइन होगी, यहाँ पे ए ओपन था स्टार्टिंग वाले में, तो ये पे हमने क्या करा है, इन सर्कल, और यहाँ पे फुल सर्कल रखा है बी पे। सेकंड वाले पे ए क्लोज था तो ए पे फुल सर्कल, और बी ओपन था तो बी पे इन सर्कल रखा है हमने। फिर आगे क्या है, द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो या सेमी क्लोज हो या सेमी ओपन हो, इन सभी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब जो एंड पॉइंट है उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या कहलाएगा, उस इंटरवल की लेंथ कहलाएगी, कि मतलब एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, कितना आगे, कितनी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, वो लेंथ हो जाती है इंटरवल की। तो लेंथ जैसे सभी इंटरवल की सेम होती है, लास्ट पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। दिस नोटेशन ऑफ इंटरवल प्रोवाइड्स अस ए न्यू वे टू डेस्टिनेटिंग द सबसेट ऑफ सेट आर, ये हमें जो आर सेट है उसके सबसेट को डिनोट करने की एक नया टाइप, नई वे हमें देता है, जिससे हम इसके सबसेट को डेजिनेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, हमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल है जीरो से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे क्योंकि रियल नंबर में इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो समझ गए, जहाँ पे भी इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा ओपन इंटरवल रखना है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरवल डिफाइन किया, क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ये किसका सेट है, ये इंटरवल एक सेट भी होता है, मतलब ये सबसेट है रियल नंबर का। तो कौन सा है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसमें कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, तो क्या हो गया, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो ये सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। और नेक्स्ट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बहुत साइड ओपन है, कोई भी ना तो प्लस इन्फिनिटी ना ही नेगेटिव इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट, ए सेट दैट कॉन्टेन्स ऑल सेट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो हमारे पास जितने भी गिवन सेट्स हैं उन सेट को जो सेट कंटेन कर ले अपने अंदर वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। और हम इसको क्या बोल, इसके दूसरी डेफिनेशन में इट इज़ ए सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट, सुपर सेट का मतलब जो भी दूसरे सेट गिवन है वो सारे इसके सबसेट हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल सेट का, जो हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, जो पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, वहाँ का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे हमने प्लेन होता है, प्लेन ग्राफ पेपर होता है, उस पर हम कितने भी पॉइंट डिनोट करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे, तो जो पूरा प्लेन पेपर होता है वो हम उसमें कोई भी सेट ले ले उसका सुपर सेट होता है, जो भी सेट लेंगे वो उस ग्राफ पेपर में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे पूरा जो एक्स वाई प्लेन है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमने फाइनाइट सेट का एक सेट लिया ए, सेकंड सेट लिया बी, और ये थर्ड सेट है सी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या बताई थी, जो सभी सेट का सुपर सेट हो। तो यहाँ पे देखेंगे ए यू का सबसेट है, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ, यू में 1, 2, 3। सिमिलरली बी में जो एलिमेंट्स है 2, 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंट्स यू में भी बिलोंग करते हैं, 2, 4, 5, 6। इसी तरह सी में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सारे यू में बिलोंग करते हैं, तो यू क्या हो गया, सभी का सुपर सेट हो गया। तो इसलिए हम यू को क्या बोलेंगे, टेक इसको हम एज ए यूनिवर्सल सेट ट्रीट कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी यूज इंटरवल ऑन रियल लाइन, हम अगर रियल लाइन पे कोई भी इंटरवल लेते हैं तो जो आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर वो एज ए यूनिवर्सल सेट हम उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है ए, लेट ए बी एनी सेट, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, जो ए के सभी सबसेट है उनको हम एक सेट के अंदर लिख दें सारे सबसेट को, मतलब ए के सारे सबसेट को एक प्लेस में एक उनकी कलेक्शन बना दें, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। देखो यहाँ पे हमने कलेक्शन लिया किसका, सारे सबसेट का, ऑल सबसेट ऑफ ए का कलेक्शन लिया, तो हम सेट की डेफिनेशन कहती कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये कलेक्शन किसकी है, सबसेट ऑफ ए, तो वेल डिफाइंड ऑटोमेटिकली है, तो ये सेट तो हो गया ऑटोमेटिकली, और उसके सारे सबसेट का सेट है ये, मतलब इसलिए हम इसको पावर सेट बोलते हैं। तो ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। हियर पी ऑफ ए को कैसे डिनोट कर देंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, पी ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एस सच दैट एस इज ए सबसेट ऑफ ए, ए के सारे सबसेट का सेट को हम पावर सेट बोलेंगे। दिस इम्प्लाइज पावर सेट पी ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ये बोल रहा है कि पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, क्यों देखते हैं, जैसे कोई भी सेट है ए, अगर फाइनाइट सेट है और नॉन एम्प्टी है तो उसका सबसेट तो होगा, क्योंकि फाई और इटसेल्फ तो हमेशा सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर फाइनाइट और नॉन एम्प्टी है तो उसके और भी दूसरे बहुत सारे सबसेट्स होंगे, तो नॉन उन केस में तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी रहेगा। अगर हमने सेट ही फाई ले लिया तो जो उसका पावर सेट होगा तो देखते हैं नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा, मतलब एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी होता है या नहीं होता है ये चेक कर रहे हैं। तो सिंस फाई एंड ए आर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, मतलब एम्प्टी सेट और इट्सेल्फ हमेशा सबसेट होते हैं ए के, तो दिस इम्प्लाइज फाई इज ऑलवेज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी ऑलवेज, एंड पी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स 1, 2, 3, देन सबसेट ऑफ ए आर, ए के सबसेट निकालने, हमें सबसेट निकालने सीखे होंगे कि सबसेट क्या होता है, पहले तो मतलब उनके जैसे थ्री एलिमेंट्स है तो सबसेट किस टाइप के होंगे, ऐसे सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सबसेट जिसमें एक एलिमेंट होगा, ऐसे सबसेट जिसमें दो एलिमेंट होंगे, और ऐसे सबसेट जिसमें तीन एलिमेंट होंगे। अगर सेट में तीन एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स में तीन से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में लिखेंगे ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब एम्प्टी फाई हो गया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऐसे सबसेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो आ गया 1 को लिख दिया एज ए सबसेट, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। फिर ऐसे सबसेट लिखेंगे जिसमें दो एलिमेंट्स हो, तो 1 और पेयरिंग करके लिख दिया दो एलिमेंट्स की, फिर डिफरेंट टाइप से पेयरिंग कर दिया, फिर एक और डिफरेंट टाइप से पेयरिंग कर दिया। हमने सबसेट निकाले थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ऐसे ही किया था कि वहाँ पे आर को चूज किया था, देख तो आर को यहाँ पे 2 चूज किया हमने, तो तीन डिफरेंट टाइप से हम दो एलिमेंट्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। ए में तीन एलिमेंट हैं तो यहाँ पे अगर दो एलिमेंट्स चूज करने तो 3 डिफरेंट वे हैं जिनसे हम उनको चूज कर सकते हैं, तो दो एलिमेंट्स के सबसेट कितने होंगे, 3 होंगे, और जो तीन एलिमेंट्स होंगे ऐसे सबसेट सिर्फ ए की होगा, वो क्या होगा, खुद ए होगा इट्सेल्फ। तो पावर सेट में क्या करेंगे, पावर सेट में हम एक सेट बनाएंगे, सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, दोनों साइड ब्रैकेट लगाते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट करते हैं, और सारे इनको एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, और सबसेट को हम जो सारे सबसेट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उनको इन ब्रैकेट्स के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिख देंगे सारे सबसेट्स को, तो हो गया ए का पावर सेट। नेक्स्ट क्या है, पावर सेट ऑफ फाई, अब देख फाई क्या है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के सबसेट क्या होंगे, उसमें कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, तो मतलब ऐसा कोई स्पेशल सबसेट तो आएगा नहीं, तो उसके पास सिर्फ एक फाई है, तो फाई का सबसेट हम फाई को एज ए सेट डिनोट कर देंगे। देखो फाई तो एक्चुअली होता है क्या, एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया तो ये एम्प्टी नहीं है, ये क्या है, सिंगलटन सेट है,
दिस इज नॉट एम्प्टी, इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है। तो फाई का पावर सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। नेक्स्ट है शो दैट कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई इक्वल्स टू फोर। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, पावर सेट ऑफ फाई क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है जिसमें फाई एक एलिमेंट होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी ऑफ फाई क्या हो गया, वन। नेक्स्ट क्या है, क्या निकाला हमने, पावर सेट ऑफ फाई निकाला। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक तो इसका कोई भी सेट होता है उसका सबसेट क्या होता है, फाई होता है। तो एक सबसेट इसका होगा फाई हो गया। एक क्या होता है, इट्सेल्फ, तो ये इट्सेल्फ खुद लिख दिया और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो क्या बन गया, पावर सेट ऑफ फाई। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, दो एलिमेंट्स है इसके पास, दो हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, इसका भी जो सेट निकाला हमने अभी, इसका भी पावर सेट निकालेंगे हम। तो इसका क्या होगा, एक तो फाई हो गया, एक ये इट्सेल्फ पूरा हो गया। तो इसके बाद दो एलिमेंट हैं, तो एक सिंगलटन सिंगलटन का सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट सबसेट आ गया। पहले फाई का लिया, फिर ये वाले फाई सेट का लिया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, फोर। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई प्लस टू फोर। इन जनरल क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, टू की पावर एन होता है, क्योंकि किसी भी सेट के सबसेट हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकालते हैं, टू की पावर एन निकाले। तो इसलिए पावर सेट में क्या होते हैं, उसके सबसेट से होते हैं सेट के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, वो टू की पावर एन। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया पावर सेट का, टू की पावर एन, वेयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एन। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स डाले हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, अगर कोई फॉल्स है तो वो किस लिए फॉल्स है और ट्रू है तो वो किस लिए ट्रू है। तो गाइज, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।